दोस्तों आज की कहानी है बहू तुम सो जाओ मैं खाने की तैयारी करती हूँ। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। आज सुबह से तबीयत ठीक नहीं लग रही है, क्या करूं मैं? उफ, ये तकलीफ मुझे ही क्यों होती है, कैसे सहन करूं ये तकलीफ। मन ही मन सोच रही थी पूनम की अचानक से सासू माँ कमरे में आई। क्या बात है बहू, आज अभी तक सोई हुई हो? काम नहीं करना है क्या घर का? तुम्हें पता है ना यही पड़ोस में जो हमारे रिश्तेदार हैं उनके यहाँ शादी है, आज की बारात है। हमारे और भी रिश्तेदार आएंगे वहाँ शादी में, हमारा घर भी पास है। हो सकता है कुछ लोग हमारे घर भी रुकने आए और तुम हो कि अभी तक तुम्हारा सवेरा नहीं हुआ। हाँ हाँ मम्मी जी, बस अभी करती हूँ काम, आप परेशान ना हो, बस अभी मैं फ्रेश होकर आती हूँ, माफ करना मम्मी जी आज देर हो गई। सासू माँ ने कहा ठीक है बहू, आगे से ध्यान रखना। पूनम बाथरूम में थी तभी राधा जी पूनम की सास सोच रही थी कि महीना भर पूनम को आए इस घर में हो गया है, पूनम को कभी उठने में देरी नहीं हुई, बात क्या है, सहरा भी उतरा हुआ था, कहीं कुछ तकलीफ तो नहीं उसे, एक तो ये बहू कुछ बताती भी तो नहीं, खैर मैं ही पूछ लूंगी। पूनम बाथरूम से बाहर निकलती है और फिर तैयार होकर थोड़ी हिम्मत करके रसोई में जाकर चाय बनाती है और कहती है आज चाय बनने में भी समय लग रहा, पता नहीं कब तक यूं खड़ी रहूंगी, आज ये दर्द तो जान लेकर सोड़ेगा मेरी। एक काम करती हूँ, जब तक चाय में उबाल आती है मैं नीचे बैठकर नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। पूनम ने जैसे तैसे साए नाश्ता बनाया और सासू माँ को दिया। साए नाश्ता के पूरे होते ही उसे लगा जैसे कोई जंग जीत ली हो, पर बढ़ता हुआ दर्द पूनम के सहरे पर साफ झलक रहा था। तभी राधा जी ने पूनम से कहा क्या हुआ बहू, आज ये सहरा मुरझाया सा क्यों है, कोई तकलीफ है क्या तुम्हें, मुझे बताओ बेटा, कोई गंभीर बात तो नहीं? पूनम ने मन में सोचा क्या कहूँ सासू माँ से, क्या इसे वो समझेगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये न कह दे। हम इतनी सी बात पूनम कुछ नहीं बताती राधा जी से। राधा जी पूनम की तकलीफ साफ देख रही थी कि पूनम कुछ बीमार है, उन्होंने पूनम से फिर पूछा। तब पूनम ने बताया कि मम्मी जी मुझे पीरियड आ गया है, साथ ही पूनम ने बताया मम्मी जी मेरे शुरुआती 3 दिन बड़े पीड़ादायी रहते हैं, पैर पेट व कमर में दर्द के अलावा बुखार भी आ जाता है मुझे, भूख भी नहीं लगती, उबकाई सी आती है और ब्लीडिंग भी बहुत होती है, डॉक्टर को पहले दिखाया था मैंने पर कोई खास आराम नहीं हुआ, मेरा काम में मन भी नहीं लगता। पूनम की बात राधा जी बड़े ध्यान से सुन रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई रिश्तेदारों की। राधा, ओ राधा कहाँ हो, हम तो शादी में आ नहीं पाए थे, सोचा कि अब बहू रानी को देख आए, कैसी है तुम्हारी बहू? राधा जी देखती है, अरे सासी जी आप सब आज एक साथ? हाँ राधा,
यही तेरे पड़ोस में शादी में आए थे तो सोचा बहू रानी को भी देख लेंगे इसी बहाने, है ना। एक पंत दो काज, राधा जी मुस्कुराई और कहने लगी हाँ हाँ सासी क्यों नहीं। राधा जी पूनम को आवाज लगाती हैं, तीन तीन सासी सास को देखकर पूनम परेशान भी हो जाती है कि अभी ही आना था इन्हें। एक तो तकलीफ उठने बैठने में परेशानी, सो अलग अब क्या होगा। सोस सोस कर पूनम परेशान सभी सासी सास से मिलती है और रसोई की तरफ जाती है। तभी राधा जी भी रसोई की तरफ जाती है और पूनम से कहती है तुम जाकर कमरे में आराम करो, मैं संभालती हूँ बाहर। पूनम राधा जी की बात से हैरान होकर कहती है मम्मी जी सब क्या सोचेगी कि बहू कमरे में आराम कर रही है और सास रसोई में काम। नहीं नहीं मैं ऐसा कतई नहीं करूंगी, राधा जी ने कहा बेटा मैं कुछ करती हूँ, तुम्हें आराम की जरूरत है, समझो मेरी बात को। पूनम सासू माँ के कहने के अनुसार कमरे में सली जाती है और आराम करती है, पर मन ही मन अब उसे सवाल परेशान कर रहे थे क्या क्या सोचेगी सासी लोग। थोड़ी देर बाद राधा जी साये नाश्ता व पानी लेकर निकलती है। तभी सासी लोगों ने व्यंग्य कसा क्या हुआ राधा, अभी तक रसोई के काम से छुट्टी नहीं मिली, अब तो बहू आ गई है। फिर भी राधा जी ने बात को संभाला और कहा नहीं नहीं सासी पूनम मुझे कोई काम नहीं करने देती, वो तो आज उसका महीना आ गया है और मैंने ही उसे रसोई में जाने से मना किया है कि तीन दिन तक बहू रसोई का काम नहीं करेगी। इतना कहकर राधा जी खाने की तैयारी मैं लग जाती है। सभी लोग खाना खाते हैं, फिर राधा जी पूनम को खाना देकर आती है कमरे में। शाम का वक्त होता है, राधा जी की तीनों सासी चली जाती है। सासी लोगों के जाते ही पूनम ने सासू माँ से कहा मम्मी जी आपने मुझे आराम करने को क्यों कहा, मैं दवा खा लेती और काम कर लेती, क्या सोचेगी सासी जी लोग। तब राधा जी ने कहा कुछ नहीं सोचेगी वो, मैंने आज कुरीति को हथियार बनाया था क्योंकि पहले की महिलाएं महीना आने पर रसोई में नहीं जाती थी, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कहती तो वो उसका मतलब कुछ और ही सोचती। मैं भी उस दौर से गुजरी हूँ, दर्द व तक लीप सब कुछ झेला है मैंने, अगर मैं सास होकर एक बहू की तकलीफ नहीं समझी तो मुझे औरत कहलाने का कोई हक नहीं। बेटा जब मैं बहू बनकर यहाँ आई थी तो मेरे दर्द को कोई नहीं समझता था, कितना भी दर्द हो काम नहीं सूटता था कभी, मैंने सही है वो तकलीफ। आज जब तुमने मुझे अपनी पीड़ा बताई मुझसे रहा न गया, ऊपर से ये मेहमान, तभी मैंने 20 का रास्ता निकाला और देखो हो गया न सब ठीक, किसी को बुरा भी नहीं लगा और तुम्हें भी परेशानी नहीं हुई। राधा जी की बातों को सुनकर और उनके किए गए सहयोग से पूनम का दर्द तो
उस हद तक कम हो गया और घर के काम भी हो गए। ऐसे ही राधा जी के ममता भरे स्पर्श से पूनम की तकलीफ भरे 3 दिन आसानी से निकलने लगे। जब भी पूनम को पीरियड की शिकायत होती, राधा जी उसके खाने पीने व आराम का पूरा ध्यान रखने लगी और पूनम के कष्ट से भरे दिन आसानी से निकलने लगे। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।